ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए गाइस आप सभी को एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस आप सभी को क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। ठीक है, तो यहां पर मॉडल को पहले ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस आपको भी कुछ इसी टाइप से आपको फोटो क्लिक करवा लेना है। एंड गाइस अगर आपके पास ऐसे कुछ पकड़ने के लिए अगर मास्क का पीएनजी ना हो तो आप कोई और पीएनजी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि कुछ और आपने हाथ में पकड़ के उससे ही फोटो को अपने क्लिक कर सकते हो। ओके सो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है। एंड मॉडल का गाइस कुछ साइज इतना रखना है। ठीक है, तो अभी हम इसका साइज थोड़ा सा और यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं तो इतना परफेक्ट है। ठीक है, तो गाइस आप सभी को कुछ इस टाइप से हाइट रखना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको गाइस दो फोटोज़ क्लिक करवानी है, आपको अपनी आई को बंद करके। एंड उसके बाद आपको इसका कुछ ऐसे कटआउट निकाल लेना अपने उसका। एंड उसके बाद आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर देना है, अपने हैंड के पास आके लगा देना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको ना इसका मतलब साइज वाइज देख लेना है, इसकी ओपेसिटी जो यहाँ पे कम कर लेना है। एंड उसके बाद रेजर टूल में जाना है, आपको यहाँ पे हार्डनेस को फुल कर देना है। एंड गाइस साइज को जो अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड साइज को अकॉर्डिंग रखने के बाद आपको कुछ इस टाइप से ऐसे फिंगर्स के आगे के एरिया को इरेज कर देना है। ठीक है, मतलब कि ये दिखाने की जो है हमारे फिंगर से हमने इसको पकड़ रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे ओपेसिटी फुल कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, अभी गाइस आपको यहाँ पे इसको बैक कर देना है। एंड उसके बाद जो आपको मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस इसको आपको लेके जाना है एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे जाना आपको सैचुरेशन में। एंड इसका जो सैचुरेशन आपको उसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। एंड उसके बाद आपको ये करना है, मतलब कि जो मतलब कि जो फेस और जो आपका मॉडल होगा ना दोनों का सैचुरेशन सेम होना चाहिए गाइज। ठीक है, तभी गाइज फोटो जो है रियलिस्टिक लगेगी। सो गाइज अब क्या करेंगे हम यहाँ पे गाइज, अब हम गाइज इस वाले पीएनजी को ले लेंगे। ठीक है गाइज, तो इसका हमें जो है मतलब सैचुरेशन यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए करेंगे पहले हम यहाँ पे इसका पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ से सैचुरेशन गाइज इसका हम यहाँ पे कम करना है। ठीक है, मतलब कि जो हमें इसके बराबर पहुँचाना जो हमारा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है पीएनजी का सैचुरेशन रखना है, तो हम इसका सैचुरेशन डिक्रीज़ कर देंगे। एंड गाइज यहाँ पे थोड़ा मैच हो चुका है। ठीक है, तो बाकी जो अभी मैच कराना है वो हम कर लेंगे यहाँ से लाइट रूम मैप में। अभी तो हमें गाइज यहाँ पे पीएनजी वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमसे गाइज दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइज यहाँ से ऐड करते हैं हमें वीग्नेट का पीएनजी। एंड गाइज इसको ऐड करने के बाद आपको गाइज कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है। एंड उसके बाद आपको उसके कर देना है फुल स्क्रीन कुछ इस टाइप से। ठीक है, फिर इतना कर देने के बाद आपको फिर ये करना है, आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है डन। एंड उसके बाद आपको फिर ये करना है, यहाँ से गाइज जाना आपको दोबारा से यहाँ से टूल्स में, सॉरी टूल्स में नहीं जाना, आपको जाना से ब्यूटी वाला ऑप्शन में। एंड गाइस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आई। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस एक आई का पीएनजी मिल ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको ब्लू वाली आई लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसको सिंपली आपको अपने ये जो आपको यहाँ पे जो मतलब ये इस तरीके से आपको जो पीएनजी लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो बट आपको यहाँ पे इसको पकड़ के इस साइड को ले आना है। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको साइज़ वगैरह रख लेना है। एंड इसको फटाफट आपको इरेजर टूल में जाके एंड जो बाहर का एरिया होगा उसको आपको इरेज कर लेना है। एंड साइज़ वगैरह जो है कुछ इस टाइप से आपको इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे फटाफट कर लेते हैं। सो गाइस जहाँ तक हमारी आई वगैरह भी लग चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कर देंगे डन। अब गाइस हम इस फोटो को यहाँ पे सेव करेंगे एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम मैप में, क्योंकि गाइस रीटच के बिना तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो अभी हम इसको लेके चलते हैं लाइट रूम मैप में। एंड गाइस लाइट रूम मैप में ले जाने के बाद आपको जाना है सिंपली स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस इसका हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड जो गाइस शेडो है आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको व्हाइट, आपको गाइस इसको भी थोड़ा कम कर देना है। एंड गाइस मिलेगा आपको ब्लैक, इसको भी थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे गाइस फिर कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको गाइस इसकी जो वाइब्रेशन है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको जाना है ऐसे कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना ऑरेंज कलर। एंड इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है, एंड जो लूमिनस आपको उसको बढ़ा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, फिर उसके बाद गाइस यहाँ से आप सभी को चले जाना है ऐसे येलो कलर में। एंड इसके बाद आपको उसका ह्यू जो है आपको उसको माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड उसके बाद गाइस जाना डार्क ब्लू में, आपको गाइस इसका ह्यू चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, वैसे हमारे इस फोटो में ब्लू कलर है नहीं तो यहाँ पे आप सैचुरेशन माइनस भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना डन। एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है। एंड गाइस जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है। एंड गाइस इसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको गाइस इसको बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, फिर गाइस आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है। आपको नीचे मिलेगा नोड रोडक्शन, आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस उसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रोडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है।
फिर गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो यहाँ पे पूरी एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।